हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मणिकांत और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो है बहुत ही खास होने वाला। तो गाइस आज का जो वीडियो है एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना रहा हूं मैं। उनका जो डिमांड था वो था मेरे को एक सर्चेबल कीबोर्ड चाहिए और जो कि वॉइस सर्च भी काम करे, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फंक्शन काम करे। तो आज मैं जो कीबोर्ड बना रहा हूं बहुत ही बेस्ट है, वो गूगल का है। तो चलिए मैं बताता हूं कौन सा कीबोर्ड है। ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। कीबोर्ड को डाउनलोड करने के लिए हमको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर। तो मैं खोल लेता हूं क्रोम ब्राउजर और यहाँ आपको टाइप कर देना है गूगल इंडी कीबोर्ड ओल्ड वर्जन, यानी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। इस समय वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में प्रॉब्लम आती है। तो हमको ओल्ड वर्जन ले लेना है गूगल इंडी कीबोर्ड। तो इसको सर्च कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। या सेकेंड पर देख रहे हो गूगल इंडी कीबोर्ड, तो इसको हमको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिएगा गूगल इंडिक कीबोर्ड और इस नीचे ही दिखा रहा है जस्ट डाउनलोड। इसको हमको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फिर से मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देना हूँ, डाउनलोड एपीके डाउनलोड आ गया है। या मोबाइल दिखाओ। सॉरी, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है पहले से। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये वर्क करता है नहीं करता है किस तरह का, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में खुद ही यूज कर रहा हूँ इसको। बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। ओपन कर देना इसको, दिखाओ। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, इनेबल इन सेटिंग, बैक क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यानी जो भी कंडीशन इसके टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना है। गूगल यहाँ जो भी कीबोर्ड है आपके फ़ोन में वो सारे दिखा रहा है, यानी जो मेरे फ़ोन में कीबोर्ड है गूगल का है और भी हैं जो फ़ोन के साथ के हैं। यहाँ गूगल इंडिक कीबोर्ड मेरे को यूज करना है तो गूगल इंडिक कीबोर्ड को इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, बैक कर देना है, सिलेक्ट इनपुट मेथड इसको क्लिक करना है। यहाँ भी इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज इसको क्लिक कर देना है। सेट परमिशन दे देना है इसको, अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट, यानी जो भी टर्म्स हैं वो सारी हमने एक्सेप्ट कर ली है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसको कर देना बैक। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं प्ले स्टोर पर आया, ठीक है, प्ले स्टोर पर, अब मेरा कीबोर्ड जो था वो खुल गया। ठीक है, इसको जो है लैंग्वेज दिखा रहा है ऐसा पता नहीं कौन सा, AV के साथ में इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ हमारा हिंदी है, हिंदी पे ओके कर देना है। ठीक है, लिंक लेकिन लिखें इसको क्लिक कर देना। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिएगा जो हमारा ABC और दिखा रहा साथ ही आ, यानी छोटा आ जो होता है ये दो वर्ड दिखा रहा है, यानी छोटे आ पर हम क्लिक कर देंगे इस पर आप पे, तो हम जो भी टैप करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं टैप करता हूँ मणिकांत, MANIKANT, मणिकांत। आपने देखा कि कितने शुद्धता के साथ इसने लिख दिया मणिकांत। ठीक है, इसी तरह से हमको कोई भी हिंदी जो कीबोर्ड होता है, हिंदी फंक्शन देता है, हिंदी फॉन्ट जो देता है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है, यानी हम यहाँ से इंग्लिश में टाइप करेंगे और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह से हमको ABC दिखा रहा है, इसको हमको क्लिक कर देना। इस पर हम कोई भी टाइप करेंगे वो हमारा नॉर्मली इंग्लिश में ही टाइप होगा। ठीक है, अब बात आती है वॉइस सर्च। वॉइस सर्च के लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वॉइस सर्च के ही ऊपर बना रहा हूँ, यानी जो मेरा सब्सक्राइबर है उसका जो डिमांड था वो था वॉइस सर्च कीबोर्ड, यानी उसको वो पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा। और आजकल क्या है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो काम चलाते हैं या वॉइस से, या फिर जिनको जल्दबाजी में टाइप करना होता है तो वॉइस से काम चलाते हैं, बहुत फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको वॉइस माइक पर क्लिक करेंगे और मैं टाइप करता हूँ। तो अभी इसका कमांड ऑन नहीं है शायद, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, आप करिएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए कंटेंट आपको लेकर आता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।